हेलो गाइस, राघा भाई ब्लॉग में एक बार आपका आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज दिखाने जाने वाला हूँ हरिद्वार की कुछ यूनिक स्थान जो आज तक किसी ने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक सप्तऋषि का मूर्ति बना हुआ है, साथ में एक भोलेनाथ का भी मूर्ति है। आप लोग को मैं बैक कैमरा से दिखाऊँगा पूरा यहाँ का लोकेशन। यहाँ पर हरिद्वार नाम सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं कि यार हरिद्वार मतलब धार्मिक स्थान, पूजा पाठ वाला जगह, यहाँ क्या इन्जॉयमेंट है, लोग घूमने नहीं आना चाहते हैं। और मेरे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि आप लोग यहाँ घूमने आए, और आप लोग घूमने आए तो आप लोग किसी भी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम कुछ ना हो। तो गाइस, मेरा ये ब्लॉग चैनल अब आप लोग के लिए है, तो ज़रूर इसे देखें, ध्यान दें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हाँ गाइस, आप लोग देख रहे थे मेरे पीछे का जो ये था मंदिर श्री हनुमान गुफा, और इस जगह का नाम है सप्तऋषि आश्रम है यहाँ पर। तो ये सप्तऋषि आश्रम से ही फेमस है ये जगह, और आप देख सकते हैं यहाँ सप्तऋषि का मूर्ति बना हुआ है, जहाँ सातों ऋषि हैं, साथ में हमारे देवोदिदेव महादेव भी उपस्थित हैं। तो आपको सप्तऋषि का अगर नाम नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, श्री अजी जी, श्री छोड़ दीजिए, थोड़ा नाम इनके मुश्किल है, मैं नहीं बताऊँगा, तब तक के लिए आप लोग बने रहें। बाकी आप लोग को मैं ये भी दिखा देता हूँ यहाँ सप्तऋषि आश्रम कहाँ है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि अभी रास्ता बहुत सन्नाटा है, क्योंकि अभी ये देखिए गाइस, यही है सप्तऋषि आश्रम, सामने बोर्ड देख सकते हैं गाइस आप लोग। ये देखिए एक बहुत ही नाम इसका थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आप लोग को नाम बता देता हूँ। इस आश्रम का नाम है श्री कच्छीलाल रामेश्वर आश्रम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अतिथि निवास भी है, और इस आश्रम की लंबाई चौड़ाई के बारे में क्या बोलूँ, ये बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, ट्रस्ट है, अन्य क्षेत्र है, बहुत कुछ है। तो गाइस बहुत ही अद्भुत है। और इधर आप लोग देख रहे हैं श्री भद्रकाली आश्रम है ये। तो यहाँ पे आप लोग को आश्रम बहुत मिलेंगे, इसके अंदर एक देखिए गणेश जी का मंदिर भी है। आप लोग गाइस एक ना गाइस यहाँ जोड़ा प्रेमी आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई तंग करने वाला नहीं आता है, क्योंकि आदमी जानता है कि ये बाहर से आए हुए यात्री हैं, घूमने के लिए आए हैं, घूमेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो कुछ इसमें गलत नहीं है गाइस। ये देखिए गाइस, आप लोग को उस साइड में रोड दिख रहा होगा, वो भारत माता मंदिर का रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आना जाना करती है, लेकिन इस वाले में कोई गाड़ी आना जाना नहीं करती है। ऐसा बात नहीं है कि गाइस नहीं आते, आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके भी बताओ यार कि कैसा वीडियो मैं बना रहा हूँ, अच्छा बना रहा हूँ, ख़राब बना रहा हूँ, तो ये भी बोलो यार गाइस थोड़ा क्या देखना है आप लोग को, ये भी बताओ, मैं फिर आप लोग को उस हिसाब से वहाँ का ये सब कुछ दिखाऊँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। तो गाइस जब तक मुझे आप लोग अपना विचार नहीं कर बताओगे, मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो कृपया कर आप लोग मुझे अपना विचार विमर्श बताएं, क्या देखना चाहते हैं आप लोग मेरे इस ब्लॉग चैनल में, मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि जब तक मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, तब तक मैं क्या दिखाऊँगा आप लोगों को, तब तक तो मैं अपने मन की खूबसूरती आप लोग को बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, अपने लफ्जों पे समझा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग रहते भी हैं, हालांकि इनमें ज़्यादातर बाबाओं की फैमिली ही रहती है, बाबा ही रहते हैं। बाबाओं की फैमिली का मतलब ये नहीं गाइस कि उनके बीबी बच्चे, वो उनके सेवक, उनके चेले और बाबाएँ खुद, तो वही उनकी फैमिली होती है गाइस। और फैमिलियों का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जो बीवी बाल बच्चेदार इंसान, तो वही फैमिली वाला, सबकी अपनी फैमिली होती है, जो चार लड़के रहते हैं वो चार लड़के ही उनकी फैमिली होती है। वैसे इन बाबाओं की भी जो उनके सेवक हैं, गुरुजन हैं, वही उनके लिए उनकी फैमिली है। ये लोग सुबह शाम पूजा पाठ धर्म करते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे फेमस ठोकर नंबर यही है 10 नंबर ठोकर, जिसका नाम है सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज। ये 10 नंबर ठोकर से बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पे बाबाओं की स्मृति बनी हुई है,
इसमें, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने घोड़े देखे, ये तो पालतू जानवरों में आते हैं गिनती में गाइस। लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जंगली जानवरों की भी कमी नहीं है। तो कृपया कर जहाँ तहाँ गाड़ियों से, अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो बीच जंगलों में कभी भी अपनी गाड़ी ना खोले, उतरे ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर भी हैं। आप लोग को मैं दिखाऊंगा अभी वहाँ से, जो जंगल है वहाँ पे हिरन, लकड़बग्घा, चीता, तेंदुआ, जंगली हाथी, नील गाय और भी ना जाने कई तरह तरह के जानवर दिखाई हमेशा देते हैं। हम लोग इस साइड से उसका आनंद लेते हैं। मेरी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं गाइस कि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, नहीं तो मैं आप लोग को ज़रूर वहाँ के कुछ जानवर, कुछ नहीं तो कम से कम हिरन तो ज़रूर दिखाता है, क्योंकि वो हिरन रोज़ यहाँ गंगा किनारे पानी पीने आते हैं और लोग यहाँ इधर से बैठ के उन हिरनों को बेहद ही मज़े से देखते हैं, बहुत ही उन्हें देख के खुश होते हैं। और मैं इस टाइम इस वजह से आया है क्योंकि इस टाइम यहाँ पूरा खाली होता है, शाम को यहाँ पर इतनी पब्लिक होती है कि गाइस आप लोग, मैं वीडियो बनाने में शर्मा जाऊँगा, इसीलिए मैं इस टाइम यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ। और बारिश की वजह से भी गाइस कुछ आदमी कम हैं, तो गाइस इसीलिए मैं इस टाइम आया हूँ। और बारिश की वजह से अभी यहाँ पे बारिश हुई है बहुत भयंकर, जिसके वजह से पानी बहुत ज़्यादा ही गंगा जी में बढ़ भी गया है। तो आप लोग बोलो तब से तो खाली जंगल घुमा रहा यार, कब कहाँ उतरेगा? तो मैं उतरूँगा भी गाइस ऐसी जगह जहाँ पूरा का पूरा खाली और सन्नाटा ही हो। तो जो मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह जिसे मैं बोलता हूँ, मैं कभी भी यहाँ आता हूँ तो मैं उसी स्थान पर बैठता हूँ और कहीं नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे वो जगह बहुत ही प्यारी लगती है। और गाइस अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पर्सनल बातें करनी हो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना इंस्टाग्राम की आईडी डाल रखी है, आप लोग मुझे उसमें भी फॉलो कर सकते हो अगर मुझसे कुछ पर्सनल बातें करनी हो तो। तो हाँ गाइस मैं अपने इसी घाट पर उतरूँगा, हालांकि इस घाट पर मैं बैठता नहीं हूँ गाइस, लेकिन फिर भी मैं उतर जा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही झाड़ जंगल है। मैं जाऊँगा तो उसी घाट पर, लेकिन उतर इसी घाट पर जा रहा हूँ। तो गाइस कल तक आप लोग क्या बोलूँ, ये जो पानी यहाँ तक देख रहे हो वो पानी बहुत ही आगे तक था, और यहाँ पे थोड़ा समुद्र जैसा मज़ा क्योंकि पूरे की पूरी रेत से भरी हुई थी ये जगह। तो आपको मैंने जैसे ही कहा कि आप लोग, ये एक जगह है जो स्वर्ग से कम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, जो अपने नाम एक दिल बना के उसमें नाम लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था वहाँ नीचे में कपल ने अपना नाम लिखा हुआ था, अपने कपल का दिल बनाया था, प्यार भरी बातें लिखी हुई थी, शायरी हुई। तो अभी वो पानी से ढक चुका है, मैं मेरा फेवरेट स्थान, मेरा फेवरेट घाट यही है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग उतरते हैं और मुझे खाली जगह बहुत ही पसंद है गाइस। तो गाइस आप लोग को अब मेरे वीडियो में क्या चाहिए, किस तरह का वीडियो बनाऊँ, थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ यार, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे समझूंगा। तो ये 10 नंबर ठोकर आप लोगों को कैसा लगा गाइस ये भी बताना, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को हरिद्वार में किस जगह का चाहिए ये भी बताना, और मैं हरिद्वार के कुछ मंदिर भी दिखाऊंगा गाइस, यहाँ के भक्त लोगों को भी दिखाऊँगा, और प्लस यहाँ के जितने मंदिर हैं वहाँ पर भी जाऊँगा। और हो सके मेरा नेक्स्ट टारगेट है अभी नीलकंठ ऋषिकेश, तो बोलो जय महादेव महाकाल नीलकंठ देवोदिदेव महादेव की जय, और बोलो गंगे मैया की जय, हर हर गंगे जय माँ गंगे। तो गाइस, तो हाँ गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, और इतना प्यारा जगह दिखाया तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को बनता है। लाइक करने ना भूले, शेयर करने ना भूले, और सब्सक्राइब करें ज़रूर अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो। और हालांकि गाइस चैनल ही नया है तो ज़रूर आप लोग नए ही होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत ही रोमांचक और जगह दिखाऊंगा गाइस, और कॉमेडी मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं इस वक्त अकेला हूं, तो इसीलिए गाइस अभी थोड़ा सीरियसली मैं जगह दिखा रहा हूँ और सीरियस बातें करता हूँ, हालाँकि मजाक थोड़ा मैं करूँगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें। और मैं इस वक्त आप लोग को अलविदा कहता हूँ, तो हमार एक एगो बात बा कि हमारे वीडियो शेयर होए के चाही, ना करबो तो के हम ठोक देम, वो के गोली से तो बंदूक की गोली से, और हमार बोली से सब डरेला।
तू डरा ना, तोरा का प्यार करम। बाय बाय गाइस, बने रहे हमारे ब्लॉग चैनल राका भाई ब्लॉग में। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस छोटे से भाई को भूलिएगा नहीं, बड़ा नहीं बोल सकता हूँ, छोटा बोल सकता हूँ अपने आप को, तो इस छोटे भाई को भूलिएगा नहीं। बने रहिए, देखते रहिए राका भाई ब्लॉग। गुड बाय, नहीं सिर्फ बाय।